90 साल की वृद्धा के घर में घुसकर लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने आम लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। हम आपको बता दें कि मदन महल थाना क्षेत्र के राइट टाउन इलाके में बनी वृद्धा के बंगले में अल सुबह दो लुटेरों ने दस्तक दी और मौका पाकर घर के अंदर घुस गए। नमद देवी नाम की 90 वर्षीय वृद्धा के आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए दोनों लुटेरों ने जबरन उनके हाथों से 2 सोने के कंगन छीन लिए। वृद्धा के चीखने और चिल्लाने के बाद दोनों लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। शहर के पॉश इलाके में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी, जिसके बाद आज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मदन महल की और कोतवाली संभाग की टीम को इसमें लगाया गया। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया कि तत्काल इस घटना को बरामद कर सरसब्जी की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसमें क्राइम ब्रांच की प्रधान आरक्षक मृदुलेश की टीम, धनंजय की टीम, राम सनेही गुड्डू की टीम, टाइगर 4 और कोतवाल मदन महल के स्टाफ, जिसमें थाना प्रभारी नीरज वर्मा स्वयं, सब इंस्पेक्टर गिरीश खरे, ASI बघेल और मदन महल का स्टाफ, इनने मिलकर CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल साइंटिफिक विवेचना के आधार पर आरोपियों की पतासाजी की, आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे बरामद माल किया गया। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 1 पिस्टल और जो लूटी गई मशरूका है बरामद की गई है।